हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम देखने वाले हैं ऑसिलेटर। सो व्हाट इज ऑसिलेटर, व्हाट इज इट्स टाइप्स, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशंस, ये जो है हम डिटेल में इस ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देखेंगे ऑसिलेटर की डेफिनेशन। सो व्हाट इज ऑसिलेटर? An oscillator is a circuit which produces a continuous repeated alternating waveform without any input. क्या बोला गया है? An oscillator is a circuit which produces a continuous repeated alternating waveform without any input. सो ऑसिलेटर जो है इस तरीके का डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है एक कंटिन्यूअस रिपीटेड अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। ओके, बिना किसी इनपुट के, बिना किसी इनपुट के हमारा ऑसिलेटर क्या करता है? कंटिन्यूअस और रिपीटेड अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ऑसिलेटर्स बेसिकली कन्वर्ट यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम अ डीसी सोर्स इनटू एन अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म which is of the desired frequency as decided by its circuits components. तो ऑसिलेटर क्या है? बेसिकली क्या करता है? ऑसिलेटर कन्वर्ट करता है, बेसिकली इट्स कन्वर्ट यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो from a DC source into an alternating waveform which is of the desired frequency as decided by its circuits components. तो ये हो गई हमारे ऑसिलेटर की डेफिनेशन। क्या कहती है? ऑसिलेटर जो है इस तरीके का डिवाइस है जो कंटिन्यूस रिपीटेड अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी इनपुट। ऑसिलेटर बेसिकली क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो को फ्रॉम डीसी सोर्स इंटू एन अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। तो ये प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट। ओके, कंटिन्यूस रिपीटेड अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी इनपुट। और बेसिकली ये क्या करते हैं? यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो जो है इसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम द डीसी सोर्स। तो यूनिडायरेक्शनल डीसी करंट सोर्स को कन्वर्ट करने का काम करता है इंटू एन अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म जो कि एक डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी की होती है। और जो इस ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड की जाती है इसके सर्किट के कंपोनेंट से। सो प्रैक्टिकली ऑसिलेटर्स आर नथिंग बट एम्पलीफायर सर्किट्स विच आर प्रोवाइडेड विद अ पॉजिटिव और रिजनरेटिव फीडबैक वेयर इन अ पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक टू द इनपुट। क्या बोला गया है कि ऑसिलेटर जो है नथिंग बट एन एम्पलीफायर होते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऑसिलेटर एम्पलीफाइंग का काम करते हैं। ओके, एम्पलीफायर सर्किट्स होते हैं जिसमें प्रोवाइड किया जाता है एक पॉजिटिव, प्रोवाइडेड विद अ पॉजिटिव और रीजनरेटिव फीडबैक। तो ऑसिलेटर्स में क्या होता है? ऑसिलेटर एक तरीके के एम्पलीफायर सर्किट ही होते हैं जिसमें पॉजिटिव या फिर रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम जो है इसमें लगाया जाता है वेयर इन पार्ट ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज फीडबैक टू द इनपुट। जिसमें जो है, अब ऑब्वियसली रीजनरेटिव फीडबैक मतलब जिसमें जो है
आउटपुट का जो पार्ट है, ठीक है, आउटपुट का पार्ट वापस से इनपुट को भेजा जाता है। इस तरीके से इसका वर्किंग होता है ऑसिलेटर का एज एन एम्पलीफायर सर्किट। तो अगर देखा जाए तो ऑसिलेटर की सर्किट डायग्राम इस तरीके से दिखेंगी। तो ये जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है और इसका जो आउटपुट होता है वो एज एन इनपुट फिर से एम्पलीफायर को मिलता है। तो ये है हमारा फीडबैक। तो रीजनरेटिव फीडबैक की तरह ये जो है काम करता है और इसमें एक पॉजिटिव या फिर रीजनरेटिव फीडबैक लगा हुआ होता है एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह जब ये एक्ट करता है। उसके बाद एम्पलीफायर जो है कंसिस्ट होता है एक एम्पलीफाइंग एक्टिव एलिमेंट से, या फिर उसको ओपैम बोलते हैं। एंड द बैक फेड इन फेज सिग्नल इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू कीप अप सस्टेन द ऑसिलेशंस बाय मेकिंग अप फॉर द लॉसेस इन द सर्किट। एम्पलीफाइंग सर्किट जो है इसमें लगे हुए होते हैं एम्पलीफाइंग एक्टिव एलिमेंट्स से कंसिस्ट होता है ये सर्किट विच कैन बी अ ट्रांजिस्टर। अब हमें पता है कि ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस क्या होती है। ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर एंड कैन एक्ट एज अ स्विच। तो एम्पलीफायर की बात है तो ट्रांजिस्टर किस तरीके से एक्ट करेगा एज एन एम्पलीफायर, या फिर एक ऑपैम्प की तरह। एंड साथ साथ जो उसका फीडबैक है इन फेज सिग्नल वो रिस्पॉन्सिबल होगा सस्टेन करने के लिए ऑसिलेशंस को, किस तरीके से मेकिंग अप फॉर दी लॉसेस इन दी सर्किट। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये फिगर है टिपिकल ऑसिलेटर का। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। तो अब हम देखेंगे ऑसिलेटर के एप्लीकेशंस। सो ऑसिलेटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से कुछ है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, देन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, देन हार्टली ऑसिलेटर, देन वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, कोलपिट्स ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, गन ऑसिलेटर, क्रॉस कपल्ड ऑसिलेटर, रिंग ऑसिलेटर, डायनेट्रॉन ऑसिलेटर, मेसनर ऑसिलेटर, ऑप्टो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, पियर्स ऑसिलेटर, रोबिन्सन ऑसिलेटर, ट्राइटेट ऑसिलेटर, पियर्सन एनसन ऑसिलेटर, डिले लाइन ऑसिलेटर, रॉयर ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉन कपल्ड ऑसिलेटर, मल्टीवेव ऑसिलेटर, तो इस तरीके से वेरियस पर्पस सर्व करता है हमारा ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर के इतने सारे टाइप्स है, तो इन सारे टाइप्स में ऑसिलेटर को यूज किया जाता है। वेन ब्रिज, आरसी फेज, हार्टली, वोल्टेज कंट्रोल, कोलपिट्स, क्लैप, क्रिस्टल, आर्मस्ट्रॉन्ग, ट्यून्ड, गन, क्रॉस कपल्ड, रिंग, डायनेट्रॉन, मेसनर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, पियर्स, रॉबिन्सन, ट्राइटेट, पियर्सन एनसन, डिले लाइन, रॉयर, इलेक्ट्रॉन कपल्ड,
एंड मल्टीवेव टाइप के ऑसिलेटर में ऑसिलेटर के टाइप्स होते हैं। इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। देन इसके बाद हम देखेंगे ऑसिलेटर के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस की अगर बात करें हम ऑसिलेटर के, तो ऑसिलेटर जो है एक चीप एंड इजी वे है जनरेट करने का स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी सिग्नल को। फॉर एग्जाम्पल आरसी ऑसिलेटर जो होते हैं, आरसी ऑसिलेटर, ये आरसी ऑसिलेटर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एलसी ऑसिलेटर होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी जनरेशन के लिए। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेशन के लिए एलसी ऑसिलेटर का यूज किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के जनरेशन के लिए। एंड ऑपएम्प जो होते हैं वो बेस्ड ऑसिलेटर होते हैं जो स्टेबल फ्रिक्वेंसी जनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑपएम्प स्टेबल फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरीके से हमारे ऑसिलेटर की एप्लीकेशंस होती है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा कि ऑसिलेटर की डेफिनेशन क्या होती है, देन उसका डायग्राम, उसके साथ साथ उसके टाइप्स एंड उसकी एप्लीकेशंस। तो ये था हमारे आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।